सलमान खान को आप ये करते हुए देखोगे तो ठीक लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा डांस स्टेप वैसा करते हुए देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यू वांट सलमान खान कमिंग आउट फ्रॉम सलमान खान, घर वाले की जिम्मेदारी, प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, यू नो यू कैन अंडरस्टैंड, आई कैन से एवरीथिंग। सो वो सब की वजह से अपने आप उतरना पड़ गया, धक्का मिल गया कि साला करना पड़ेगा, बाप रे बाप, अरे बाप रे, भाड़ा भरना है घर का। कभी तो ऐसा बोलूँ कि नहीं यार अभी थोड़ा बाद में करते, नहीं नहीं भाई पीछे से धक्का आ रहा है, आप समझे, तो वो भी है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। जो फिल्मों में या आप वीडियो एल्बम में सॉन्ग्स देखते हैं वो 3-3.5 मिनट में निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कितनी होती है ये कोई कोरियोग्राफर ही जानता है कि कैसे उसको इमेजिन करता है, विजुलाइज करता है, उसको प्लान करता है और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करता है, तब जाकर आपको गाना इतना अच्छा, खूबसूरत और यादगार लगता है। मेरे साथ है मुदस्सर खान, कोरियोग्राफर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये जो गाना चल रहा है एकदम ढिंचैक वाला डांस नंबर, जी क्या गाना है और किस तरह से प्लान किया इसको? सर ये जो मैं गाना कर रहा हूँ इसका नाम है बम हिला। बम हिला मतलब आप समझ लीजिए ये बच्चों का गाना नहीं है, हाँ, पर गाना बहुत मेलोडियस है, हाँ, और क्लब में हम जाते हैं तो क्या उस तरह के गाने करते क्या क्लब में? बम हिलता है वो क्लब में, वही क्लब का वाइब है, लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन में ये गाना आता है जिसमें फिल्म में हमारे जो स्टार हैं इसमें वो क्लॉडिया जी हैं। तो क्लॉडिया जी आप देखते हैं कि वेरी टैलेंटेड चीज, डांसिंग बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और इसमें 2-3 लोगों का स्पेशल अपीयरेंस भी है। इसमें अरबाज भाई भी एक छोटा स्पेशल अपीयरेंस के लिए हैं, प्रिया वॉरियर जो साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस है वो हैं, एंड वन मोर गर्ल इज देयर। सो आई थिंक 2-3 कास्ट इज देयर इन दिस सॉन्ग एंड इट्स अ वेरी हैपनिंग सॉन्ग। ओके, और हम काफ़ी टाइम से इसको मेहनत हम प्लान कर रहे हैं, तो हमने कुछ 4-5 दिन इसको हमने प्लान किया, रिहर्सल की हमारी टीम ने, और उसके बाद फिर हमने क्लॉडिया को रिहर्सल किया, 4 दिन उसने रिहर्सल किया, फिर उसके बाद आज फाइनल कॉस्ट्यूम्स का हो रहा है। ओके, और कल आप समझ लीजिए कल परसों शूट है, तो आई थिंक इट्स अ बिग 15 डेज का प्री प्लानिंग एंड पोस्ट, अभी पोस्ट भी होएगा इसके बाद फिर एडिट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ खाली जाके डांस नहीं बिठाना होता है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, मतलब जो कंप्लीट एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो तकरीबन अगर पूरे डेज लगा तो 1 मंथ जैसे आपने 4 दिन आप, मैंने प्लान किया खुद ने, मेरा तो काम स्टार्ट हो गया, मेरी तो मेरे को पगार उतनी मिलनी है लेकिन काम मेरा ज्यादा जल्दी चालू हो गया, तो मेरा काम स्टार्ट हो गया, फिर उसको मैं प्लान करने के बाद रिहर्सल किया 3-4 दिन, तो 8 दिन यहाँ हो गए, 2 दिन शूट किया, 10 दिन हो गए, 5-6 दिन एक दिन हफ्ता भर एडिट किया, तो 17 डेज फॉर अ सॉन्ग हो गया। फॉर अ सॉन्ग फॉर मी देर आर कोरियोग्राफर्स जो मतलब इससे भी हफ्ते में 2 गाने भी करते हैं। ओके ओके, ये ऑल डिपेंड कि आप कैसे वहाँ तक पहुँचना है, टाइम लगेगा बट ठीक है, ठीक है। तो ये फिल्म है सीधी भी बगलो जिसकी बात हो रही है, ये जो आपका गाना है बम हिला, ऐसे बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, डांस नंबर है, जहाँ भी पार्टी होगी वहाँ खो भी जाएगा, लेकिन बींग ए कोरियोग्राफर इतना आसान होता है बम हिलाना या लोगों को मूव कराना अपने गानों पर? क्या बताऊँ आपको मैं, आसान तो आपके लिए भी नहीं है कुछ, मेरे लिए भी कुछ नहीं है। लोगों को लगता है कि डांस है तो इनके लिए तो आसानी होगा, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ डांसिंग नहीं है ना, इसमें आपका आर्टिस्ट डांस कर रहा है, डांसर्स डांस कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड डांस कर रहा है, लाइटिंग डांस कर रही है, कैमरा डांस कर रहा है, कॉस्ट्यूम डांस कर रहा है, मतलब सारा का सारा म्यूजिकल मेलोडी आपकी एक रिदमिक पोइट्री चल रही है आपकी, तो यू आर नॉट जस्ट गोइंग एंड शेकिंग सब लेग, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ, यू आर नॉट जस्ट बम हिलाविंग, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जो टेक्निकली और क्रिएटिव चीज़ों का मिलना होता है तब जाके वो विजुअल ट्रीट आता है पूरा सामने देखने में, राइट राइट। तो बींग ए कोरियोग्राफर जब आप सोचते हो तो मूवमेंट भी सोचते हो और कैमरा एंगल के विजुअल भी सोचते हो, किस तरह से प्लान होता है, ये सिंक कैसे होता है? सबसे पहला हम इसका बेस सोचते हैं, सोचते क्या, अगर फिल्म का सॉन्ग होता है तो डायरेक्टर का उसमें ये रहता है कि गाना उस सिचुएशन पर आ रहा है जहाँ पर हीरो क्लब में गुंडे को ढूंढने के लिए जा रहा है और वहाँ पर हीरोइन नाच रही है, रेगुलर फिल्मी लाइन, टिपिकल काइंड, ऐसा कुछ होता है कि हीरो जाता है वहाँ पर क्लब में या हीरो वहाँ से जा रहा है तो म्यूजिक बज रही है, और या कोई मैसेज आता है कि अगर मुझसे मिलना है तो यहाँ आ जाओ, फलानी जगह आ जाओ, आई मीन
डायरेक्टर्स टेल अस द स्टोरी ऑफ बिफोर द सॉन्ग एंड आफ्टर द सॉन्ग. हमको उसका ब्रिज बनाना होता है और उसको आगे बढ़ाना होता है. उसको आगे बढ़ाना होता है. उसमें ये भी होता है कि हम आगे बढ़ाएं या वो स्टोरी वहीं रुकी हुई है, गाना चला फिर स्टोरी फिर कंटिन्यू चली ताकि बैलेंस हो जाए. बैलेंस हो जाए ऐसा भी होता है. कभी डायरेक्टर्स बोलते हैं कि नहीं हमको फिल्म में गाने में कुछ स्टोरी नहीं चाहिए, दबा के शूट करो, धमाल चाहिए बस, मजा चाहिए, पब्लिक को पसंद आए. देखो पब्लिक के लिए बन रहे हैं. राइट राइट. हम लोग पहले गाने का बेस प्लान करते हैं, फिर वो डायरेक्टर बोलता है ये, तो उसके बाद हम उस पटरी पे ही हम चलते हैं फिर. हाँ, क्योंकि उसके वो सजेशन से. मुदस्सर मुझे ना इसमें थोड़ा सा ना म्यूजिक वीडियो की तरह चाहिए, या इसमें मुझे थोड़ी क्लब है तो क्लब में ही लोग डांस करें ऐसा चाहिए. उसमें ऐसा नहीं चाहिए कि क्लब में सडनली कोई नाच रहा है और बाकी लोग देख रहे हैं, वैसा भी नहीं चाहिए. या सभी लोग सेम स्टेप करें ऐसा नहीं चाहिए. कभी कभी ऐसा भी चाहिए कि सब सेम करें ही चलेगा. okay. क्योंकि क्लब में सब सेम स्टेप नहीं करते. तो ये एक उसका उनका एक सोच हमको मालूम पड़ जाती है, फिर वो हिसाब से चलते हैं. okay. फिर हम कॉस्ट्यूम प्लान करते हैं. सबसे बड़ी चीज उसमें हम प्लान करते हैं कि एलिमेंट्स. पहले क्या होता था, क्लब है तो क्लब में आपने लाइटें लगा दी और आपने शूट कर लिया. right. अभी तो एलिमेंट्स आपको डालने पड़ते हैं. जैसे उसकी एंट्री, तो हमने एक वाइन ग्लास बनाया है बड़ा सा, अच्छा 6-8 फुट का, उसमें वो उतर रही है वाइन ग्लास में ऐसे. और फिर उसके बाद एंट्री करेगी, लाइन बोलेगी, दूसरी लाइन बोलेगी, फिर हुक स्टेप आएगा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मजेदार पार्ट होता है, जहाँ हम सिग्नेचर स्टेप बोलते हैं. राइट राइट. तो हम एक अच्छा सिग्नेचर स्टेप बिठाते हैं, उसके लिए हम रिहर्सल्स करते हैं कि सिग्नेचर स्टेप कैसा होना चाहिए. तो बम हिलाए तो इसका मतलब नहीं कि बम हिलाए. बम हिला मतलब फिर कुछ प्यार ग्रूव नाइसली रोमांटिकली म्यूजिकली सब जाए अच्छे से. फिर उसके बाद हम उसको कैमरा वाइज प्लान करते हैं कि इसको इस तरह ही शूट करेंगे, लो एंगल शूट करेंगे, यहाँ से यहाँ शूट करेंगे. फिर हम उसको कैमरा के साथ साथ लेंसेज के क्या भाई ये लेंस पे अच्छा लगेगा, और डीओपी से हम मीटिंग करते हैं. कॉस्ट्यूम की इतनी सारी मेहनत होती है कि ये कलर इस पे अच्छा लगेगा, इस क्लब में ये वाइट कलर अच्छा नहीं लगेगा. बहुत बहुत चीज़ें मतलब एडिट तक चलती है बातें. एडिट पे भी मतलब गाना सबका खत्म हो जाता है, हमारी पूरी टीम घर पे चली जाती है. उसके बाद दूसरे दिन से मैं रात को जाता हूँ एडिट करने के लिए. फिर ये शॉट अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा ऐसे करो, फिर वैसे करो. अभी आपने कहा मतलब सर सिग्नेचर स्टेप, आपके जितने भी गाने अभी तक आए हैं एक से बढ़कर हिट नंबर, उसमें सब में सिग्नेचर स्टेप की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो बाद में पब्लिक उसको रिपीट करती है, बार बार करके देखती है. ये तो ये खास सोचते कि मैं हर फिल्म में ऐसा रखूँगा? देखिए कभी कभार तो मैं रखता ही हूँ, कभी कभार डिमांड तो हर जगह होता है. जहाँ पे भी मीटिंग में जाओ कोई प्रोड्यूसर के पास के फलाना फलाना प्रोड्यूसर हैं, बुलाए हैं, गाना है, आ जाइए. तो मैं जाता हूँ, सबसे पहला बोलते हैं कि मुदस्सर सर सिग्नेचर स्टेप कौन सा अच्छा रखना, कोई अच्छा बढ़िया सा सिग्नेचर सर, कीप अ नाइस सिग्नेचर स्टेप सो द ऑडियंस विल डू ऑल एजेस. बच्चा पार्टी, बड़े लोग, बुड्ढा अंकल आंटी, एवरीवन शुड डू. सो डू दिस समथिंग लाइक दैट. इफ इट इज नॉट अ दारू सॉन्ग then of course. मतलब अच्छा भी हो, आसान भी हो, ताकि सब उसको follow करें, कर पाएं, कर सकें. right. so, वो एक होता है हमेशा. तो right. मैं वो और लोगों को मालूम है कि वो सिग्नेचर स्टेप लाता है अच्छा हो. तो एक मास्टर जी हैं गणेश आचार्य हमारी इंडस्ट्री के. राइट. जो तो मतलब सिग्नेचर स्टेप के किंग हैं. राइट. तो अब वो एक वो है जो छोटे डिपार्टमेंट में कौन है भाई, इसको पकड़ लो. सिग्नेचर स्टेप है ना फिल्म गाने का बहुत अलग हिस्सा है. एक तरह से कह ले टाइटल है सॉन्ग. नहीं अभी टाइटल तो के हिसाब से मूव है कि जो ढिंका चिका गाने की लाइन है, तो ढिंका चिका पे क्या स्टेप होना है वो सिंपल होना चाहिए, क्योंकि ढिंका चिका वर्ड भी सिंपल है. अभी जैसे कि कोई भी एक गाना आप समझ लीजिए, कोई भी गाना जैसे पार्टी ऑल नाइट तो सिंपल है, जुम्मे की रात, सिंपल एक लाइन है वो, जो कि हर कोई गाने वाला है बार बार हुक लाइन. तो सिग्नेचर स्टेप भी आपको सिंपल ही देने पड़ेंगे. आप उसमें फाड़ू बिठाओगे ना तो लोगों को लगेगा हाँ अच्छा डांस किया भाई, ना अच्छा था, नाइस था. बट आप जब उसको थोड़ा सा कम सिमिलर सिंपलिश नाइस करोगे तो लोगों को करने का मन करेगा. जब लोगों को करने का मन करेगा अपने आप वो चीज़ें हिट होंगी, लोग पसंद करेंगे. अरे वाह लगाओ लगाओ, हम पार्टी में जब बर्थडे पार्टी में भी लोग नाचेंगे, यू नो आँख मारे में लोग आँख मारे का स्टेप अंकल आंटियाँ करें, इतना भी ईजी नहीं लेकिन सिंपल है. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ अट्रैक्टिव दैट स्टेप इज, इट शुड बी अट्रैक्टिव. आप उसमें ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और आप ऐसे भी बैठ के कर सकते हो, कुछ नहीं. इट शुड बी लाइक म्यूजिकली इट शुड बी नाइस, एंड उसमें मजा होना चाहिए. right. उसमें ये नहीं कि थकना होगा ना, उसमें मजा आना चाहिए. ओके okay. मेरा ये पूछना है आपसे मतलब सर कि जब आप डांस करते थे शुरू में अपने टाइम पे, जब इस फील्ड में नहीं आए थे तब आपको डांस बहुत पैशनेट होता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन ये डिसीजन लेना कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगा, ये कैसे दिमाग में आया? ये तो भैया वो ट्रेन में चलते हैं मन में. तो कभी कभार दो लोग होते हैं, एक तो जिनको जो मतलब उतर जाते हैं मजबूत ऐसा,
गर्दी में भी उतर जाते, कैसा करके उतर जाते, वो है एम्बिशियस वाले, ओके, पैशनेट, वो उतरना ही है कुछ भी हो जाए. एक होते हैं जिनको ना उतरना है लेकिन इतनी गर्दी होती है तो बेचारे कोशिश करते हैं लेकिन अपने आप पीछे से धक्का आता है उतर जाते. मैं वो कैसे मेरे को उतरना था, कोरियोग्राफर बनना था लेकिन इतना भी मरे नहीं जा रहा था मैं. ओके पैशनेट को आप उस पैशन को उसमें मत काउंट करें. प्रोफेशन और पैशन राइट, वो डांस का पैशन अलग, वो डांस का पैशन मतलब आप अपने अपने लिए डांस करो, पैसों के लिए क्यों डांस करें यार, तो वो अलग चीज होती. तो पैशन और प्रोफेशन कब मिक्स हुआ होता है, ये अभी मिक्स हुआ कि जब मैं ट्रेन में था तब वो पैशन था. ओके वो धक्का देने के बाद मतलब भाई तो उतर ही गए, चलो अभी से ऐसे ही उतरे. उसके बाद एक से एक और वो धक्का क्या था, घर वाले की जिम्मेदारी, प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, यू नो यू कैन अंडरस्टैंड, आई कैन से एवरीथिंग. सो वो सब की वजह से अपने आप उतरना पड़ गया, धक्का मिल गया कि साला करना पड़ेगा, बाप रे बाप, अरे बाप रे भाड़ा भरना है घर का, अरे ये भरना, अरे वो भरना, धक्का मार के चलो और काम करते हैं. धक्का मिलते क्या पीछे से, गाना कब करोगे, वो गाना मेरा कब करोगे, वो मेरा कब करोगे भाई, कभी कर रहा है. तो मैं सोचा कभी तो ऐसा बोलूँ कि नहीं यार अभी थोड़ा बाद में करते, नहीं नहीं भाई पीछे से धक्का आ रहा है आप समझे. तो वो भी है, तो कभी भी धक्का भी अच्छा पुश कर देता करियर में. नहीं धक्का आपको पुश करता है और धक्का जरूरी है, जरूरी है. आप ये सोचिए आपको धक्का मिलता रहे लेकिन मजा कब आता है, जब आप खुद से जाते हो राइट, उसमें उसकी मजा ही कुछ और है राइट. चलिए कोई नहीं, धक्का लगा लेकिन उसके बाद इतने अच्छे अच्छे गानों का धक्का पब्लिक को मिला, ऑडियंस को मजा आया. अब जब आप कोरियोग्राफ करते हो वो एक अलग चीज़ हो गई, डांस करते हो वो अलग चीज़ हो गई, जब आप जज के तौर पर जाते हो कितना अलग हो जाता है. अलग हो जाता है भाई, वो अलग ही चीज़ है, वो आप देख रहे हो वहाँ पर, आप देख के उनको गाइड कर रहे हो, बता रहे हो कि भाई ये ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे करो, ये ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करो. वो भी एक डिफ़िकल्ट जॉब है, फिल्मों में काम करना भी एक डिफ़िकल्ट, कोरियोग्राफी करना भी एक डिफ़िकल्ट जॉब है. दोनों की अलग अलग जगहें हैं बट मैं समझता हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग जो चीज़ है वो फिल्म है. ओके तो इसीलिए मेरा फेवर ज़्यादातर फिल्म रहता है. ओके मैंने इसलिए ज़्यादा उधर बहुत ज़्यादा मैंने हमेशा नहीं मैंने कोशिश की कि मैं हर बार टीवी पे ही दिखूं, तो मैंने थोड़ा सा स्पेस किया वहाँ से ताकि मैं मेरा जो मैं जिसके लिए अभी आज धक्का मिला है मुझे मैं उसको क्यों वैल्यू कम दूँ राइट, मैं उसी में आगे बढ़ूँ. तो मैं इसके लिए निकल पड़ा इस साइड. उनके हिसाब से समझ के डांस कराते हो कि इसकी ये प्लस है ये माइनस है ये इसके. सबसे पहला हम उनका स्टाइल को पकड़ते हैं, उनको छोड़ते नहीं है. ओके जो नए लोग हैं उनको स्टाइल देना पड़ता है. ओके जैसे डीआईडी वगैरह में भी हाँ हाँ हमको उनको स्टाइल पैदा करके देना पड़ता है. और जो बाहर के जो नए एक्टर्स हैं उनको हमको क्या बोलते हैं नया स्टाइल देना पड़ता है कि तुम इस तरह करो अच्छे लगोगे, शाहरुख की तरह करो, सलमान भाई की तरह करो, इसकी तरह करो, थोड़ा उसकी झलक लाओ, थोड़ा उसकी झलक तुम्हें अच्छी लग रही है. नए एक्टर्स को हम ऐसे गाइड करते हैं. ओके अगर डांसर है उनका एक खुद का या तो उनका खुद का स्टाइल ढूंढ के आपका ये चीज है इसको आप अच्छा लग रहा है आप इसी को करो, इस तरह करो, थोड़ा शाहिद टाइप कर लग रहा है, ऐसा करो थोड़ा ये अच्छा लग रहा है, और उसमें वो लोग ढूंढते हैं धीरे धीरे और फिर वो एक उनका एक स्टाइल डेवलप होता है. जो बड़े एक्टर्स हैं उनका स्टाइल को ही हमको एनहांस करना पड़ता है कि उसमें से कुछ अलग कराए लेकिन वैसा ही रहे, नया कराए, डांसिंग अच्छी हो, सब फाड़ू हो, लेकिन उस पब्लिक जो चीज में उनको चाहती है वो चीज को लेकर ही. जैसे सलमान खान को आप ये करते हुए देखोगे तो ठीक लगेगा लेकिन पूरा का पूरा डांस स्टेप वैसा करते हुए देखोगे तो अच्छा नहीं. यू वांट सलमान खान कमिंग आउट फ्रॉम सलमान खान राइट, मतलब उनका जो यूनिक पॉइंट है उसी को यूज. सलमान खान को आपको सलमान खान की तरह ही देखना है ना राइट राइट, भले टैलेंट और अच्छे लेवल पे देखना है, डांसिंग और अच्छा देखना है, सब अच्छा देखना, लेकिन उसमें सलमान खान आपको देखना है. नहीं तो जस्ट अनदर ऑर्डिनरी डांसर, डांस इंडिया डांस का ऑडिशन कोई देने आता है वैसा नहीं लगना. इज अ स्टार, पीपल लुक अप टू हिम. के सलमान ने बेल्ट वाला स्टेप जो अंदाज बोलते हैं ना वो अंदाज को आपको लेके चलना होता है राइट. यू कैन जस्ट मिक्स गोविंदा एंड अभिषेक बच्चन एंड शाहिद कपूर एंड ऋतिक रोशन, कांट मिक्स एनीवन, इट्स पीपल्स चॉइस, लोग उनको वैसे ही पसंद करते हैं राइट. थैंक यू मदर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच.